साल और लेट्स डिज़ाइन सीजन वन और सीजन टू में डिफरेंस तो डेफिनेटली है. वो पहला साल था, आई गेस इस साल थोड़े उस एक्सपीरियंस ने हमें ज़रूर हेल्प किया है. इस साल जो विनर्स हैं वो भी सारी चार लड़कियां हैं मुंबई में, अच्छे ये भी एक अलग बात है हमारे लिए. हर साल हर एडिशन में एक थीम दी जाती है और इस बार थीम रेट्रो थी. आई गेस यू नो अगर आप डिज़ाइंस देखेंगे आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये कंटेस्टेंट्स शायद पहली बार हिस्सा ले रहे हैं. दे जस्ट लुक सो फैबुलस एंड दे लुक लाइक दे हैव डन दिस फॉर इयर्स. आई थिंक ऑफकोर्स इंडिया इज़ सो फेमस फॉर कॉटन एंड इंडिया का वेदर ही कुछ ऐसा है. आई गेस वी ऑल आर सो कम्फर्टेबल वेयरिंग कॉटन बट आई डोंट नो कि इसका यूज़ क्यों कम होता जा रहा है. आई गेस क्योंकि लोगों को लगता है शायद कि ये उतना स्टाइलिश नहीं है या शायद इसे हम अपने तरीके से मे बी यूज़ नहीं कर सकते, बट आई गेस दैट्स रॉन्ग. ये जो सारे डिज़ाइनर्स हैं आपको ज़रूर बताएंगे कि कॉटन एक ऐसा फैब्रिक है जिसे आप जिस तरह स्टाइल करना चाहो आप कर सकते हो. मैंने जो आज ड्रेस पहनी है इट्स इन टू डिफरेंट आज से the cotton material is of two different kinds. एक stretchable है, एक one is absolutely plain. You can do what you want with cotton and I guess लोगों को ये जानना ज़रूरी है. यू नो एक्चुअली मोर देन जजिंग मैं कहूँगी मुझे खुद सीखने को काफ़ी चीज़ें मिली क्योंकि मुझे भी शायद इतने सारे फ़ायदे नहीं पता थे कॉटन के डिज़ाइंस के बारे में, शायद इतना नॉलेज नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि शायद कॉटन में आप इतनी स्टाइलिंग कर सकते हो. बट इसके थ्रू मुझे भी शायद ज़्यादा सीखने मिला है उससे.